सुने हैं धृतराष्ट्र धर्मराज युधिष्ठिर के राजगद्दी सौंपने के बाद धृतराष्ट्र धर्मराज के लाख सेवा करने पर भी प्रसन्न नहीं रहे। पुत्र मोह होता है ना, तुम लोग ही पुत्र मोह से मैं देखता होगा, दूसरे का लड़का बहुत सेवा करे, अपना लड़का मरता भी रहे तो वो भी हम कहेंगे कि नहीं अपना लड़का है तभी तो मार रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने पिता से ज़्यादा सेवा करते थे धृतराष्ट्र का, सब बात भूल कर सेवा करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वह नहीं रह पाए और जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। जब जंगल में प्रस्थान कर गए तो उनके साथ गंधारी भी गई, कुंती भी गई। यह महाभारत की आख्यान हम बहुत नहीं कह रहे हैं, हम केवल याद दिला रहे हैं आप लोगों को स्वर के संबंध में। जब धर्मराज युधिष्ठिर इधर देखे कि पिताश्री नहीं है, चले गए जंगल में, बहुत दुखी हुए, लेकिन लाख करे चतुराई विधि की लिखा मिट न जाई। तुम सब लोग चतुराई करते हो रात दिन मिल करके ना, कि यह करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा करेंगे ऐसे हो जाएगा, मंगल गणित करता कोई गणित काम नहीं करती है। और जंगल में आग लगा, जिस आग लगने से धृतराष्ट्र गंधारी मृत्यु को प्राप्त हुए, अग्नि में जलकर मृत्यु को प्राप्त हुए, कुंती का भी हुआ। इसी से हम कहते हैं कि बहुत तपस्या कर लेगा, कितना हूँ बड़ा तपस्या कर रहो, लेकिन यदि सदगुरु के शरण में तू नहीं गया तब तक से तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है, चाहे एक जन्म लेना पड़े या हजार जन्म लेना पड़े। यदि समय का सदगुरु आ गया और उसके सान्निध्य में तू नहीं गया, अपने जीवन को नहीं संहारा, तो पता नहीं सैकड़ों जन्म चक्र तो काटना ही पड़ेगा ना। कृष्ण समय का सदगुरु है, लेकिन धृतराष्ट्र इतना नज़दीक से भी नहीं समझे, और धृतराष्ट्र तो छोड़ो, उस समय के बहुत बड़े तपस्वी दुर्वासा भी नहीं समझे। रामावतार में भी दुर्वासा थे, मृत्यु का कारण बने, कृष्णा अवतार में भी थे, मृत्यु का कारण बने, अभी भी दुर्वासा हैं, तुम लोगों से मिल भी सकते हैं, चाहेगा मिलाना तो मिला देंगे। परशुराम उस समय भी थे, अभी भी हैं, ये भी नहीं पहचाने। तपस्वी तो हैं और तपस्या से शरीर तो अमर कर लिए, लेकिन उस परम पुरुष को पहचानने की दिव्य आंखें नहीं मिली। दुर्वासा जी का बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहता था दुर्योधन से, दुर्योधन के पक्ष में रहते थे दुर्वासा जी, जानता है ना, परशुराम भी रहते थे। जब सुन लिए कि ये धृतराष्ट्र जंगल में चले गए, तो यह भी जंगल में उनसे मिलने के लिए चले गए दुर्वासा। दुर्वासा जी को जब वह जंगल में जाने पर ज्ञात हुआ कि अग्नि लग के चलते इनकी अकाल मृत्यु हुई, तो बड़े दुखी हुए, और दुखी होकर लौटे भगवान कृष्ण के यहाँ द्वारिका में। द्वारिका में भगवान कृष्ण से कहे कि कृष्ण हम बहुत दुखी हैं, चक्रवर्ती सम्राट धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी गंधारी की अकाल मृत्यु हुई, अग्नि में जलकर जंगल में मृत्यु हुई, इस सबके कारण कहीं ना कहीं तुम ही हो ना, तू यदि इस महाभारत युद्ध का श्री गणेश नहीं किया रहता तो ये लोग राज भोगते रहते, मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन मैं भी भयभीत हो गया हूं। तो क्या आपको भय क्या है, उनका तो पिंडदान करो, अभी पितृपक्ष चल रहा था अभी, और मेरा भी पिंडदान करो, क्योंकि हमारा भी तो शादी नहीं है, लोग लड़का नहीं है, हमारा पिंडदान कौन करेगा, किसी शिष्य पर विश्वास भी नहीं है, कोई करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए तुम ही हमारा हमारे रहते पिंडदान कर दो। क्या एक ठीक ठीक है प्रभु, जो आप कहिएगा वही होगा।
इतना ही कहे कि तुम अपनी भक्ति दो, अपने शरण में रख लो, मेरा भी, मुझे भी दिव्य चक्षु प्रदान कर दो, यह नहीं कह सकते हैं। तपस्वी आदमी का अहंकार बढ़ जाता है। तपस्या से तू इस संसार में जो चाहे सो कर सकता है, यह भी बात सत्य है, लेकिन बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता है, परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकता है। यदि परमात्मा तुम्हारे सामने भी रहे तो उसे तुम्हें कुछ ग्रहण नहीं कर सकते हो। भगवान कृष्ण ने अपने पुत्र श्याम को बुलाया और श्याम को बुला करके कहे कि देखो तुम अमुक जगह पर चले जाओ और ये महात्मा दुर्वासा जी हैं, महर्षि दुर्वासा जी हैं, इनका क्रियाकर्म करो, पिंडदान करो, जेते जी राजकोष से खर्च लो, यह तुम्हारे ऊपर सौंप रहे हैं। श्याम अति सुंदर था, वह इतना सुंदर था कि कृष्ण से भी सुंदर था। कुरूप आदमी सुंदर को देख करके बौखला भी जाता है, बौखला जाता है ना तुम लोग। दुर्वासा जी देखकर श्याम को बौखला गए, श्याम जो है उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। शांत चित्त आदमी तो हरदम मुस्कुराता ही रहता है, उसका क्या गलती है, मुस्कुरा दिया। राजकुमार था ही, देखा कि एक लंगोटी धारी केवल हड्डी है और कमर में एक लंगोटी है और एक हाथ में कमंडल है, लेकिन आंखों में बड़ी आक्रामक है, आंखें शांत नहीं है, चेहरा शांत नहीं है, आक्रामक है, आक्रमण करने की तैयारी में है। देखा कि हमारे पिताजी कृष्ण, जिसको सब भगवान मानता है, परमात्मा मानता है, और वह भी हाथ जोड़कर खड़े हैं और यह जो है आदेश दिए जा रहे हैं, इनके व्यक्तित्व पर, इनके चेहरे पर वह जरूर, वह भी हो सकता है हंस दिया हो। और इस तरह से अभी भी जदुवंश के लोग ज्यादा मसखरी करते हैं, जानता है कि नहीं, मसखरी मजाक। करते हैं। दुर्वासा देखा, कहा था कृष्ण यह तुम्हारा लड़का है? हाँ प्रभु, मैं इसे श्राप दे रहा हूं, इसके शरीर बहुत सुंदरता का, इसे घमंड है, पूरे शरीर में गलित कुष्ठ हो जाए। देखो कृष्ण हाथ जोड़कर कहे कि जो आपका आदेश, कृष्ण का इससे महिमा घट गया, चक्षु दर्शन भी बगल में था, निकाल लिए रहते कि आपको श्राप देने के पहले मैं चक्षु दर्शन से आपका पूजा कर देता हूं, ऐसा तो नहीं किए। देखो यही महानता है, यही महानता है। हाथ जोड़कर पुनः कृष्ण कहे, जो आपकी आज्ञा प्रभु। कहा कि इसे बहुत अहंकार है, इसको दंड मिलना चाहिए। वही लड़का इनका काम क्रिया, पिंडदान का सारा व्यवस्था भी किया, वह भी क्रोध में थप्पड़ चला सकता था, कुछ कर सकता था, कुछ नहीं किया, पूरा इनका पिंडदान का लाखों रुपया खर्च करके सब कराया कर्मकांड, पैसा भी नहीं दिए, सब कराया। अब तुम लोग कह, मैं इस टॉपिक पर आ रहा हूं, तुम लोग कहते हो अभी की जो परंपरा चल गई है, कोई वैद्य है उसको गुरु मानने की परंपरा आ गई, अभी आ गई है ना, कोई कथावाचक है उसको भी गुरु मानने लगा है, कोई ज्योतिषी है उसको भी गुरु मानने लगा है, कोई तांत्रिक है उसको भी गुरु मानने लगा है, कोई कर्मकांडी है उसको भी गुरु मानने लगा है, कोई ज्योतिषी है उसको भी गुरु मानने लगा है,
आजकल गुरुडम का व्यापार चल गया है। भगवान कृष्ण कुछ उपाय कर सकते थे उसके रोग निवारण के लिए, कुष्ठ रोग के लिए, कुछ कर नहीं पाए। भगवान कहते हो जिसकी पूजा और आराधना करते, उन्होंने अपने दूतों को भेजा, कि जा करके वैद्यों को लाओ मिस्र देश, मिस्र से ही आए लो मिस्रा कहलाए, मिस्र से सब लोग सुने, हजारों लोग सुने कि भगवान कृष्ण के लड़के को कुष्ठ हुआ है, वहां से वैद्य लोग चले, हजारों वैद्य चले, एक दो नहीं, चूंकि यह कृष्ण का मामला है। समुद्र मार्ग से आना था, देखो देव का विचित्र लीला है, और देव परमात्मा स्वयं कृष्ण है, पूर्ण कला सुरोह 64 कला अवतार है ना, पूर्ण अवतार कहते हो, वह कोई कुछ नहीं कहा, ओम ह्राम ह्रीम फट, तुम लोग करते ओम ख्रीम थ्रीम थ्रीम स्वाहा, कुछ नहीं कहा। द्वारिका में हाहाकार मचा है और वैद्य चल दिए, लेकिन समुद्र मार्ग से आना था, प्लेन तो नहीं था। समुद्र मार्ग से आने पर वे वैद्य, कुछ वैद्य रास्ता भूल गए, द्वारिका में आकर के कलकत्ता में उतर गए, बंगाल में उतर गए, बंगाल के खाड़ी में उतर गए। वहां से जब पालकी से भगवान कृष्ण भेजवाए थे, पालकी उल्की से आना था, जब आने लगे तो रास्ते में जरासंध की राजधानी पड़ती थी। कब ज्यादा चुकने वाला है एक दूसरे से, इस पृथ्वी पर सबका समाज बन गया है, संप्रदाय बन गया है, क्षत्रियों का समाज कहीं नहीं देखा होगा, यदि बना होगा तो 10 अपने में उठता कुत्ता है, भारत के लेवल पर नहीं देखा होगा। जरासंध भी क्षत्रिय, कृष्ण भी कब बर्दाश्त करेगा, अपने सीमा बॉर्डर पर जो ही राजगृह पहुंचा और कागरक तो पालकियों को, कौन है यह? वैद्य लोगों ने कहा कि हम लोग मिस्र से आ रहे हैं, भगवान कृष्ण के लड़के को शाम को कुष्ठ रोग हो गया है, बहुत दुखी है, उसे निवारण करने के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छा, जैसा वह है उसका फल मिलना चाहिए, बहुत अच्छा जैसा है वो उसका फल मिलना चाहिए। प्रत्येक आदमी सृष्टि में अपने को अच्छा निर्णय कर लेता है, दूसरे को खराब है ना। जरासंध भी कह रहा है कि हम अच्छे हैं, उसको फल मिलना चाहिए। इस देश में, इस पृथ्वी पर सत्य है, देर है, अंधेर तो नहीं है ना। कृष्ण को दंड मिला उसके लड़के को, और वह सब लोगों को रोक दिया वहीं से, कहा कोई नहीं जाएगा यहां से। वे मग कहलाए, मग थे, मग वैद्य लोगों को उस समय मग कहा गया, मग मार्ग से होकर आ रहे थे, मग मार्ग से होकर आ रहे थे रास्ता मग। जब वे लोग रुक गए तो कहा कि हम लोग क्या करें प्रभु यहां, कहा कि तुम लोग अनुसंधान करो अपने वैद्य पर, क्या क्या जानते हो, कहा कि हम लोग वैद्य हैं इसलिए वैद्य अनुसंधान करते हैं, कहा कि अनुसंधान करो ज्योतिष पर अनुसंधान करो, कहा कि हम लोग स्वर विदय हैं तो स्वर पर अनुसंधान करो। अब तुम लोग समझ गया होगा, मग जहां रोक दिए गए वही मगह कहलाया, मग मगह। जो कभी जरासंध की पाटलिपुत्र वहां की बिहार की राजधानी हुआ करती थी मगह, अब मगह से ही उसका नाम मगध पड़ा। अब समझ गया, इसलिए उपनिषद की रचना मगध में हुई। कालिदास मगध के थे, वाल्मीकि मगध के थे, वाल्मीकि रामायण की रचना वहां हुई है, और इसलिए वह भूभाग उपनिषद के लिए, स्वर विद्या के लिए, ज्योतिष के लिए और
तंत्र मंत्र के लिए, साथ ही इस वैद्य के लिए प्रचुर भंडार हुआ वह क्षेत्र। जैनियों में श्रमण होते थे। गुरु नानक देव भी कहे हैं, सुनो, सुनने से ही तुम इंद्र बन सकते हो, सुनने से ही ब्रह्मा और विष्णु बन सकते हो। जब जी साहब ने कहा, इस पर मैं व्याख्या पहले कर चुका हूं, सुनने से ही तू समर्थ बन सकते हो, लेकिन सुनना भी एक कला है, तुम सुनने की कला भी ठीक ठीक नहीं जानते हो। अभी यहां बैठे हो लेकिन मन 10 जगह घूम रहा, सुन नहीं रहे हो। सुनने की कैसी कला है, कैसे सुनने मात्र से तुम कैसे बुद्धत्व को प्राप्त कर जाएगा, वह आर्ट जपजी साहब ने जो कहा है गुरु नानक देव, वह उसी के बारे में पहले बुद्ध ने भी कहा है और महावीर ने भी कहा है। इसीलिए गुरु के नजदीक हम लोग बैठते हैं, श्रवण कुमार बनकर सुनते हैं। गुरु ऊपर बैठता है, शिष्य नीचे बैठता है, उसके आंखों से ऊर्जा निकलती है, उसके मुंह से जो ऊर्जा निकलती है बोलने से, वो हमारे कान तक जाता है और कान से हृदयंगम होकर के हमारे हृदय तक पहुंच जाता है और वहां से पूरा मस्तिष्क जाता है और हमारे मस्तिष्क में परिवर्तन ला देता है और करुणा और संवेदना ला देता है, जिसे हमें परिवर्तन होने लगता है और हम धीरे 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 अज्ञान अनजाने में भी हम उस बुद्धत्व की तरफ पहुँचने लगते हैं। धीरे धीरे एक दिन आता है, हम बुद्धत्व को प्राप्त कर जाते हैं। सदगुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का आगामी दिल्ली कार्यक्रम दिनांक 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक सदगुरु धाम आश्रम दिल्ली में चैत्र नवरात्र कार्यक्रम मनाया जाएगा। इस शक्ति साधना पर्व के अवसर पर प्रतिदिन राम नाम संकीर्तन, संध्या वंदन, हवन यज्ञ, आशीर्वचन व विशेष साधनाएं सिखाई जाएंगी। दिनांक 9 से 14 अप्रैल तक विशेष स्वर साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। दिनांक 14 और 15 अप्रैल को दिव्य गुप्त विज्ञान की कक्षा आयोजित की जा रही है, जिसे सीखने से आप स्वयं अपने दैविक, दैहिक और भौतिक कष्टों का निदान प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म दीक्षा और पूर्णाहुति का कार्यक्रम दिनांक 15 अप्रैल को प्रातः 7 बजे सम्पन्न होगा। चैत्र नवरात्र कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपना पंजीकरण पूर्व में ही करा लें। पंजीकरण की अंतिम तिथि है 31 मार्च 2016। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज के आशीर्वाद से सद्विप्र समाज सेवा श्री बद्रीनाथ धाम में हर वर्ष की भांति 11 मई से पंचम विशाल भंडारा आयोजित कर रही है। बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्री इस निःशुल्क भंडारे का लाभ उठाएं। भंडारे में अपना सहयोग देने के लिए आप सभी का योगदान सादर आमंत्रित है। सद्गुरु कॉन्शियसनेस सोसाइटी, खाता संख्या 3070-2100-002-1012, बैंक शाखा पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली, IFSC कोड PUNB 0307300, संपर्क सूत्र 09868886830, 09968434203।